हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कार्तिक चौधरी के ऊपर। आज की हमारा जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ डीपीएसपी। जल्दी से एक बार क्लास के अंदर सारे बच्चे हैं जो क्लास को शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं जो हमारी क्लास के अंदर ज्वाइन हो सके। सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहूँगा, कल जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वॉज फंडामेंटल राइट्स, ठीक है जी। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज डीपीएसपी। दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंडियन पॉलिटी के, ठीक है। एक बार जल्दी से ज्वाइन हो जाओ क्लास में ताकि हम जो है सेशन को स्टार्ट कर सके। एंड आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एंड उम्मीद करता हूँ कि इस बार का CDS 1 2024 का एग्जामिनेशन आप क्लियर कर पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। वही सेम बच्चे यहाँ पर एनडी के भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको भी ये कहना चाहूँगा कि ऑल दी वेरी बेस्ट, आप लोग का एग्जामिनेशन भी बहुत बेहतरीन तरीके से हो, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। एंड मेहनत अगर आप भरपूर कर रहे हैं तो रिजल्ट आपको श्योरली देखने को मिलेगा इस एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है बच्चे। अब ये डीपीएसपी कई बच्चों ने तो सुन रखा होगा होता क्या है, कई बच्चों को इस डीपीएसपी का मतलब नहीं पता। अब सर डीपीएसपी जो आपने लिखा है इसकी फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज डीपीएसपी? अब डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है जी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे एक सिमिलर टर्म होती है जिसको हम कहते हैं डीपीएसपी, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बस फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिकेबल होते हैं और डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिकेबल होते हैं। मैंने आपको टर्म समझाई थी ना जस्टिकेबल और नॉन जस्टिकेबल, वो चीज़ों का ही डिफरेंस है यहाँ पर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में। मतलब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन होती है तो यहाँ पर कानून आपकी मदद करता है, बट डीपीएसपी जो हमारे ये लिखा हुआ है मैंने, अगर इनकी वॉयलेशन होती है तो कानून आपकी मदद नहीं करता। चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई आपकी मदद नहीं करता, ना ही आपकी लोकल गवर्नमेंट, ना ही स्टेट गवर्नमेंट, ना ही नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आपकी मदद कर सकती है इन केस ऑफ वॉयलेशन ऑफ योर डीपीएसपी। बट फंडामेंटल राइट्स की अगर वॉयलेशन होती है तो यहाँ पर आपकी कोर्ट्स मदद करते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? स्टार्ट करें फिर टॉपिक हमारा आज का। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया जब भी आपको चैप्टर पढ़ रहे होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है उसके पार्ट्स और उसके आर्टिकल्स। जैसा कि काफ़ी हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, 1 से लेके 4 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डीपीएसपी की, ठीक है जी, तो कौन सा पार्ट है यहाँ पर जो डील कर रहा है, दैट इज पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है डील करता है डीपीएसपी से। कौन से आर्टिकल्स? दैट इज 36 to 51, ठीक है जी। 1 से लेके 4 हमने देखा था, मैंने आपको बताया था दैट वॉज यूनियन एंड टेरिटरी। 5 से लेके 11 तक मैंने आपको बताया था दैट वॉज सिटीजनशिप। 12 से लेके 35 जो मैंने आपको बताया था दैट वॉज फंडामेंटल राइट्स। 36 से 51 जो मैंने आपको बताया दैट इज डीपीएसपी, ठीक है जी। क्लियर है बात? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो पार्ट 4 जो है हमारा डील करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी से। और कौन से आर्टिकल्स? 36 से 51 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो डील करते हैं डीपीएसपी से। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? दैट इज फ्रॉम यूएस से। वहीं अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो डीपीएसपी ने जो आइडिया लिया है कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम आयरलैंड, ठीक है जी। जिन्होंने फर्दर कॉपी कर रखा जहां से, दैट इज स्पैनिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज स्पेन। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने जो है डीपीएसपी का आइडिया है, कंसेप्ट लिया है, वो कहां से लिया है, तो क्या आंसर होगा? स्पेन आंसर होगा कि आयरलैंड आंसर होगा? जल्दी से बताइए कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने डीपीएसपी का जो आइडिया है, जो कंसेप्ट है, वो कहां से लिया है, तो इसका क्या आंसर होगा? क्या वो स्पेन होगा या फिर आयरलैंड होगा?
तो देखो मैं बताता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बता पा रहे हो तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। क्यों सर, स्पेन क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा, देखो इसका एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे सपोज करो आप एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो और आप जो है अपने आगे वाले से चीटिंग कर रहे हो, ठीक है जी, अपने आगे वाले से चीटिंग कर रहे हो आप। अगर आपको टीचर ने पकड़ लिया तो आपसे पूछेगी भाई कहां से देख रहा तू, तो तुम किसका नाम लोगे? अपने आगे वाले का, ठीक है जी। आपसे आगे जो एक बच्चा बैठा होगा वही दिखा रहा था ना आपको, तो आप अपने आगे वाले का नाम लोगे, चाहे वो आपसे आगे वाला अपने आगे वाले से चीटिंग कर रहा हो वो नहीं नाम आएगा। आप जिससे चीटिंग कर रहे हो बिकॉज आप पकड़े गए हो तो आप किसका नाम लोगे? अपने आगे वाले का। सेम इज द केस हेयर कि हमने कहां से लिया है वो मैटर करता है, उसने आगे कहां से लिया ये मैटर नहीं करता, ठीक है जी। तो अगर आपसे पूछा जाता है आइडिया कंसेप्ट कहां से लिया, दैट इज फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फ्रॉम आयरलैंड, ओके। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन के हार्ट एंड सोल भी कंसिडर करते हैं, जो कि आर्टिकल 32 होता है हमारा, हार्ट एंड सोल जिसको कहते हैं, वैसे सेम इज द केस हेयर, दोनों मिलाकर ही हमारा हार्ट एंड सोल कंसिडर किया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं फीचर्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, ठीक है। अब DPSP सर आप नाम ले जा रहे हो, DPSP है क्या चीज़? DPSP जैसे आपने फंडामेंटल राइट्स बताया सर हमारे को कि बेसिक लॉज होते हैं जो हर एक सिटीजन को, हर एक नागरिक को, भारतीय नागरिक को हमारी भारतीय सरकार या भारतीय संविधान जो प्रोवाइड करता है, वैसी आप DPSP को थोड़ा सा ईजी मैनर के अंदर तो बताइए होते क्या है। देखो क्या होते हैं ना, ये कुछ लिमिटेशंस होती है जो सरकार के ऊपर लगाई जाती है कि इस चीज़ों को ध्यान में रखते ही आपने जो है स्टेट के अंदर लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाने हैं, ठीक है जी। ये कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो स्टेट के ऊपर लगाई जाती है जब वो कोई पॉलिसी, कोई एक्ट, कोई लॉ, कोई रूल्स रेगुलेशंस को फ्रेम कर रहा होता है, ठीक है जी। आसान भाषा में क्लियर है बात ये एवरीवन, जल्दी से बताइए आसान भाषा में आपको क्या ये बात क्लियर है? चले अब DPSP जो है किसको रिजेंबल करते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है जी। ये बेसिकली कहाँ पे मेंशनड है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है ना, ये इंस्ट्रक्शंस इश्यू करने के लिए बनाए गए थे, किसको? प्रेसिडेंट को, हमारे सरकारी ऑफिशियल्स को, ये बेसिकली इंस्ट्रक्शंस इशू करने के लिए बनाए गए थे। इसका भी सेम काम होता है बेसिकली, ठीक है जी। ये गवर्नर को और प्रेसिडेंट को इंस्ट्रक्शंस इशू करने के लिए बनाया गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर मेंशन्ड है। सेम इज द केस हेयर, यहाँ पर DPSP को हम कोरिलेट कर सकते हैं बिकॉज ये कुछ लिमिटेशंस और रिस्ट्रिक्शंस है जो स्टेट के ऊपर इम्पोज की जाती है जब वो कोई रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बना रहा होता है, ठीक है जी। क्लियर है बात? नेक्स्ट आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या करती है, हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी को मेंटेन करने की कोशिश करती है कि इकोनॉमिकली हमारे को किसी भी फैक्टर्स के ऊपर जो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा किया जा रहा है, प्रॉपर्टी, इनकम, स्टेटस ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, इन बेसिस के ऊपर कोई वॉयलेशन नहीं हो रही है। सोशल डेमोक्रेसी मतलब आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, किसी भी होटल में खा सकते हैं, किसी होटल में स्टे कर सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खा सकते हैं, किसी वेल का पानी पी सकते हैं, तो इन बेसिस के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ इज जो आपको दो मैंने टर्म समझाई थी, जस्टिकेबल एंड नॉन जस्टिकेबल, ठीक है जी। फोर्थ पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया था जस्टिकेबल भी कह सकते हैं कई लोग इसको, और नॉन जस्टिसेबल भी कहते हैं, तो मैं जस्टिकेबल कहता हूँ। जस्टिसेबल की अगर हम बात करें तो दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जस्टिकेबल है, ठीक है जी। अब इसका क्या मतलब है? मतलब कि अगर फंडामेंटल राइट्स की कोई वॉयलेशन होती है फंडामेंटल राइट्स की, तो यहाँ पर कोर्ट्स आपकी मदद करती हैं, कोर्ट्स जो हैं आपकी मदद करती हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, ठीक है जी। वहीं अगर हम बात करें
डीपीएसपी की, डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब है सर? मतलब नॉन एनफोर्सेबल है, नॉन एनफोर्सेबल। एनफोर्सेबल का क्या मतलब होता है? इसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती कि इसको लागू किया जाए, ठीक है जी। तो वैसे ही डीपीएसपी क्या है, अगर इनकी वॉयलेशन होती है, डीपीएसपी की वॉयलेशन होती है, तो कोर्ट्स आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। सेम यहाँ पर गवर्नमेंट भी, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है जी। क्लियर है बात सबको यहाँ पे, एवरीवन? क्लियर है सबको? देखो बेटा, तैयारी आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चे होंगे इस टाइम पे थोड़ा सा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे कि सर सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, हमने किताब अभी तक छुई नहीं है। तो देखो, हारा वही है जिसने हथियार डाल दिए, ठीक है जी। जब तक एग्जैक्टली आपको हार प्राप्त नहीं होती ना, तब तक तुम जीते हुए, ये माइंडसेट आपके हाथ में होना चाहिए। जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता ना, तब तक तुम जीते ही हुए हो। इसी माइंडसेट से पढ़ाई करना है आपने कि जीतना है भाई, मुझे जीतना है, मुझे वो वर्दी चाहिए, अपनी छाती के ऊपर वो वर्दी चाहिए, उसी के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। कितनी फिर भी आप देखो, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़े हो, आपने आज एक चैप्टर भी कर रखा है, तो कल से तो बेहतर हुए हो ना। आपने ये देखना है कि कल से मैं कितना बेहतर हुआ हूँ। छोटे छोटे टाइनी टाइनी स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, आगे बढ़ते चलो। आप जब एंड ऑफ द डे जब आप पहुँचोगे ना अपनी डेस्टिनेशन तक, तब आपको पता चलेगा कि यार आप तो बहुत आगे आ गए हो। अगर आप उस टाइम से कंपेयर करोगे जब आपने शुरू करने की कोशिश करी थी, और अब तक का जो फासला है वो बहुत लंबा तय कर लिया तुमने, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट दी जर्नी, और उसको जर्नी को इंजॉय करो। रो पिट के कोई फ़ायदा नहीं कि भाई हो नहीं रहा, आज थोड़ा सा ही हुआ है, आज थोड़ा। अरे यार, कल से तो बेहतर हुआ ना, कल से तो बेहतर हुआ। आपने बस यही ध्यान रखना है कि हमेशा आगे के बारे में सोचो यार, कि और इम्प्रूव कैसे करूँ मैं, और बेटर कैसे कर सकता हूँ मैं। क्योंकि आपके लिए कोई मेहनत नहीं करेगा, आप खुद ही मेहनत करोगे। ज़िंदगी के अंदर कोई नहीं आपके साथ चलता, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो भाई बहन हो। एक पॉइंट के बाद आप सिर्फ खुद अपनी नैया जो है पार लगाओगे, और वो टाइम आ चुका है तुम लोगों के लिए। करियर डिसाइडिंग वाला पॉइंट है ये, इस टाइम पे कोई नहीं होता। माँ बाप से भी ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं, भाई बहन भी ताने मारने शुरू कर देते हैं, दोस्त यार तो नौकरी लग जाते हैं, कोई काम पे लग जाता है, कोई अच्छा कमाना शुरू कर रहा है। लाइफ के किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई ना कोई है, और अगर कोई नहीं कुछ कर रहा तो आप करो ना, बी द फर्स्ट वन। एक OLQ ये भी होता है कि भाई दुनिया के अंदर आप एक एग्जांपल सेट कर रहे हो। भाई मैं बन रहा हूँ सबसे पहले फौजी अफसर अपनी पूरी फैमिली में, वो एरा स्टार्ट करो आप। समझ रहे हो कि आप एक एग्जांपल सेट कर पा रहे हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एग्जांपल सेट हो चुका है कि आने वाले टाइम में कोई भी, अगर आप एक सिविल बैकग्राउंड से हो तो आपकी फैमिली से रिकॉग्नाइजेबल ऑफिसर निकल रहे हैं। कि भाई मैं बन गया अगर ऑफिसर, तो मेरे आने वाली पीढ़ी जरूर याद रखेगी कि भाई एक फौजी बना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल हो गया कि भाई नहीं, मेरे पापा आगे तुम्हारी जो अगली नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको बोलने लायक हो कि भाई तू भी फौजी बनेगा। उससे आगे बोल सकोगे कि भाई तू भी फौजी बनेगा, क्योंकि उनके पास एक मोटिव है, एक एग्जाम्पल सेट है कि तुम हो फौजी। यार कुछ नहीं बनना उन्हें तो ज़िंदगी के अंदर, एक तो माइंड के अंदर एग्जाम्पल सेट रहेगा कि भाई बाप मेरा फौजी है तो मुझे भी उसके जैसा बनना है। समझ रहे हो? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ना तीन फैक्टर्स के अंदर क्लासिफाई कर रखा है, तीन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई कर रखा है। एक है सोशलिस्टिक, एक है गांधियन, और एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है जी। एक है लिबरल इंटेलेक्चुअल। अब आर्टिकल 38 की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है?
टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर परमिटेड बाय जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज. कि हमने ये जो आर्टिकल 38 ये कहता है कि हमने सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के ऊपर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट कोई इनइक्वालिटी कॉज नहीं करनी चाहे वो किसी फैक्टर के ऊपर हो. सोशल फैक्टर मतलब हमने जो है इनकम स्टेटस, सोशल फैक्टर मतलब किसी भी होटल के अंदर खाना खा रहे हो, किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर स्टे कर रहे हो, इन फैक्टर्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना. इकोनॉमिक मतलब पैसे के बेसिस के ऊपर, इनकम स्टेटस स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ. पॉलिटिकली मतलब कि भाई वोट करने का राइट उसके पास होना चाहिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का राइट उसके पास होना चाहिए. इन फैक्टर्स के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए. आर्टिकल 39 जो है ना इसके अंदर आप कह सकते हो बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है जी. तीन फैक्टर्स डिटरमाइन करती है. पहला क्या कहता है, पहला फैक्टर्स है द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मतलब हर किसी के लिए जो भारतीय नागरिक है और हर किसी को उसको फूड फॉर्डर शेल्टर जो है बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज जो है उसको मिलनी चाहिए, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन. आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी क्या कहता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है जी. मतलब आप कह सकते हो चाहे वो मर्द है चाहे औरत है, अगर दोनों सेम काम कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ वर्क कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में कर रहे हैं, तो दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए. ये नहीं डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि मर्द है या औरत है, इस बेसिस के ऊपर इसकी कैटेगराइज होनी चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट आते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सेबल अब्यूज. कि अगर किसी फैक्ट्री या माइन में बच्चे या महिलाएं काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह से उसको जो है अब्यूज़ नहीं करना, मतलब जितना काम उसको प्रेस्क्राइब्ड है उतना ही काम कराना, ज़बरदस्ती का एक्स्ट्रा काम नहीं कराना उससे. उसको अमाउंट अगर आप थोड़ा दे रहे हो, सपोज करो 200 रुपये उसको दे रहे हो, आप उससे 20-20 घंटे काम करा रहे हो, तो वो क्या है उसका अब्यूज़ कर रहे हो आप, कि भाई उसकी पैसा कम प्रोवाइड कर रहे हो, काम उससे ज़्यादा करा रहे हो. तो फोर्सेबल अब्यूज़ में ज़बरदस्ती जब उसको काम करवाया जाता है महिलाओं से या फिर बच्चों से किसी फैक्ट्री या माइन में, उस चीज़ के ऊपर ये रोक लगाती है. नेक्स्ट आता है दैट इज़ अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. कि अगर कोई 14 साल से नीचे बच्चा कोई काम कर रहा है किसी फैक्ट्री या माइन में, तो उसकी हेल्थ का स्ट्रेंथ का जो सारा खर्चा है वो मालिक को ही उठाना पड़ेगा. फूड फॉर्डर शेल्टर सारा पैसा जो है वो मालिक ही पे करेगा. दैट इज आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी. ये सारे क्या है, दैट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब इसके ऊपर एनफोर्समेंट नहीं है, ठीक है जी. एनफोर्समेंट नहीं है, कानून इसके ऊपर मतलब कोर्ट जो अपनी मर्जी से इन चीज़ों को कईयों को लागू करवा सकता है, बट ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती इसके ऊपर. ये फैक्टर्स वो हैं कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए. आर्टिकल 39 सब क्लॉज ए क्या कहते हैं, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर. लीगल एड क्या होता है, देखो क्या होता है ना, अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस के अंदर ना गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिलती. अक्सर ऐसा ही होता है, गरीब लोगों को जस्टिस नहीं मिलती. क्यों नहीं मिलती, बेसिकली क्या है, वो वकीलों की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते या हरासमेंट बहुत होती है उनके साथ. तो इसी फैक्टर को हटाने के लिए क्या किया, कानून ने फ्री लीगल एड सेंटर्स बना रखे हैं. तो हर एक स्टेट के अंदर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एड सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर आपको एक रुपया भी उस वकील को देने की ज़रूरत नहीं है और आपका केस वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ेगा. ये आप ध्यान रखना, कहीं बच्चों को पता हो कहीं को नहीं पता होगा, तो यहाँ पर आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ेगा, आपको एक रुपया भी उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है जी. उसको सरकार अपने आप पैसा देती है जब आप अपना अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करते हैं, वकालतनामा साइन करते हैं कि मैं इसको नियुक्त करता हूँ अपना वकील, तो उस टाइम पीरियड से ही सरकार उसको पैसे देना शुरू कर देती है, आपको एक रुपया भी उसको देने की ज़रूरत नहीं होती है. तो आप लीगल एड सेंटर में अगर आप किसी दोस्त को, आपके किसी रिश्तेदार को, आप किसी नीडी पर्सन को ज़रूरत है, तो आप लीगल एड सेंटर के बारे में उसको बता सकते हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वकील जो है केस लड़ेगा, ठीक है जी. नेक्स्ट आता है टू सिक्योर द राइट टू वर्क एंड एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओल्ड एज सिकनेस एंड डिसेबलमेंट. आर्टिकल 41 का कहता है कि हमने जो है हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वर्क प्रोवाइड करना है. अगर वो डिसेबल्ड है मतलब उसके हाथ पैर चलने बंद हो गए हैं या बीमार हो गया है या बूढ़ा हो गया है, उस टाइम पीरियड पे हमने उसका काम नहीं छीनना, उसको काम प्रोवाइड करे रखना है. दैट इज़ आर्टिकल 41. आर्टिकल 42 का कहता है टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ. आर्टिकल 42 का कहता है कि इफ़ अ वुमेन इज़ प्रेग्नेंट, एक वुमेन जो है अगर प्रेग्नेंट है, शी इज़ अबाउट टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, अगर वो
प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है उसका, तो उस टाइम पे उसको मेटर्निटी रिलीफ जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला है उससे एक महीने पहले तक, और जब बच्चा पैदा हुआ उसके एक महीने बाद तक उसको जो है छुट्टी लेने की परमिशन होती है, और उस टाइम पे उसको तनख्वाह मिलती रहनी चाहिए। ये बात बोलती है हमारी कौन सी, आर्टिकल 42 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, क्लियर है बात सबको, एवरीवन, सबको ये बात क्लियर है? अब ये टॉपिक करने के बाद मैं आपको जो एमसीक्यूज करवाऊंगा, मैंने आपको पहले बोला था कि ये करवा दूंगा, बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा इन सारों को पूल करके एक अच्छा सा आपके लिए एमसीक्यूज करवाया जाए, फिर करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी आपके मैं साथ लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प हो सके। ठीक है जी, आपने ये ध्यान रखना है कि कोशिश हमारी चल रही है, सारे टीचर्स आपके साथ हेल्प कर रहे हैं डेडिकेटेडली, सो आपने बस मेहनत करते रहना है, एंड उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इज टू सिक्योर अ लिविंग वेज, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल वर्कर्स। आर्टिकल हमारा 43 के कहता है कि जब आप किसी जगह आप काम कर रहे हो तो प्रॉपर उसको लिविंग वेज मिलनी चाहिए, मतलब बेसिक इतनी उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए कि उसका फूड फॉर्डर शेल्टर चल सके, उसका घर का खर्च चल सके। ठीक है जी, एक ताकि एक ज़िंदगी जो है वो ठीक तरीके से जी सके, उसको इतनी बेसिक पे मिलनी चाहिए कि उसका खर्चा पानी जो है वो चल सके। नेक्स्ट इज टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 43 सब क्लॉज ये क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि भाई क्या होता है ना कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, माइंस में या फैक्ट्रीज में ना, वहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स की यूनियन होती है। तो क्या करता है मालिक ना, कभी कभार उनकी सैलरी है ना गिरा देता था और वर्किंग आवर्स उनके इंक्रीज कर देता था। इसी सिचुएशन से डील करने के लिए वर्कर्स ने क्या किया, अपनी यूनियन बनाई। तो अगर उनको जो है सैलरी अप करवानी है, वर्किंग आवर्स डिक्रीज कराने हैं, तो वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी जो वर्कर्स की यूनियन होती है ना, उसके हेड के पास जाते हैं कि भाई ऐसा है, हमारे को ये दिक्कत आ रही है, और हेड जो है वो मैनेजमेंट से बात करता है, भाई ऐसा है कि हमारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है और आप जो है इस चीज़ के ऊपर देखिए, अदरवाइज काम तरीके से नहीं हो पाएगा, इसको जल्द से जल्द जो है हल कीजिए। तो ये बात बोलता है हमारा आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 क्या कहता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। कि जो भाई फैक्ट्री या माइन में काम कर रहा है आदमी, उसके लिए जो खाना प्रोवाइड किया जा रहा है एक प्रॉपर बैलेंस्ड मील होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड मील। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वर्क वो जो कर रहे हैं, अगर वो किसी माइन में काम कर रहे हैं तो उनको पता भाई हथौड़े से पत्थर भी तोड़ना पड़ेगा, कोयला भी तोड़ना पड़ेगा, तो उस टाइम पे उसको प्रॉपर मील की जरूरत है। क्या चाहिए, जिसके अंदर कार्ब्स भी होने चाहिए, ठीक है जी, उसके अंदर प्रोटीन भी होना चाहिए, उसके अंदर जो है फैट्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें का एक प्रॉपर मील, जो मतलब दाल चावल रोटी सब्जी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए, ताकि उसको जो है सब कुछ कार्ब्स फैट्स प्रोटीन सब कुछ मील सके। ठीक है जी, तो एक प्रॉपर बैलेंस मील होनी चाहिए जिससे वो सर्वाइव कर सके और एनर्जी उसको मिल सके, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। दैट इज आर्टिकल 47। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स। ठीक है जी, अब कुछ जो हमारे DPSP है ना, ये गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। गांधी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड, तो वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, इसी वजह से उनको है जो DPSP की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है जी, इसी वजह से उनको DPSP की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। क्या, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड टू एंड्योर देम विद नेसेसरी पावर्स एंड अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। आर्टिकल 40 का कहता है कि हमें गांव के अंदर ना क्या बनानी चाहिए, पंचायत, और इन पंचायत के पास इतनी पावर्स देनी चाहिए कि वो अपने आप में एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह अपने फंक्शंस को परफॉर्म
कर सके। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे को प्रमोट करनी है कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज। आर्टिकल 43 क्या कहता है कि हमारे को कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है प्रमोट करनी है कोऑपरेटिव बेसिस के ऊपर। कोऑपरेटिव मतलब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। कोऑपरेटिव मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कह लो, कॉटेज इंडस्ट्रीज कह लो, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गए। इससे बेनिफिट क्या होगा रूरल एरियाज के अंदर हमारे को जो कॉटेज इंडस्ट्री सेटअप करने का, इससे क्या है ना हर किसी का बेनिफिट होगा। कैसे? अगर आप रूरल एरियाज के अंदर सेटअप करोगे इंडस्ट्रीज को तो दोनों का बेनिफिट होगा, जो मालिक है ओनर है, ओनर है जो जो मालिक है उसको क्या मिलेगा, लैंड सस्ता मिलेगा। ठीक है जी। उसको रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा, उसको लेबर सस्ती मिलेगी, उसको बिजली सस्ती मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी, पानी सस्ता मिलेगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है उसको सस्ते मिलेंगे। और यहाँ पर वर्कर्स को मतलब लोगों को क्या मिलेगा, पीपल को, उनको जॉब मिलेगी भाई, सबसे इम्पोर्टेंट नौकरी मिलेगी। तो इससे क्या हैंड इन हैंड बेनिफिट ही होने वाला है सबका। ठीक है जी। हैंड इन हैंड जो है वो बेनिफिट ही होगा लोगों का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 का कहते हैं टू प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अक्सर क्या है ना हमारे जो वीकर सेक्शंस हैं एससी एसटी ओबीसी इनकी है जो एक्सप्लॉयटेशन होती थी इकोनॉमिक फैक्टर्स के ऊपर एजुकेशनल फैक्टर्स के ऊपर, तो इस चीज़ के ऊपर कानून जो है वो रोक लगाता है, डीपीएसपी जो है रोक लगाने की बात करता है कि ताकि हम जो है इन एससी एसटी ओबीसी जो हमारी कैटेगरीज हैं इनको प्रमोट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा और एजुकेटेड हो, और इनको इनके हक के बारे में हमें जागरूक कराना है। ये हमारा राइट है और हमारी ड्यूटी है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47 टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। कोई भी ऐसे ड्रग, कोई भी ऐसे ड्रिंक को इंड्यूस नहीं करना, मतलब पीना नहीं है, जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। ये बात भी बोलती है आर्टिकल 47। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज काफ एंड अदर मिल्च एंड ड्रॉट केटल एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। आर्टिकल 48 जो है हमारा ये क्या कहता है कि हमने गायें भैंसे भेड़ बकरियों को काटने से रोकना है। स्लॉटर का मतलब होता है काटना। ठीक है जी। तो उनको काटने से रोकना है और साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल कर इनकी है जो ब्रीड्स है, मतलब आगे आने वाली जो जनरेशन है इनकी जो बच्चे हैं उनकी अच्छी सेहत का ध्यान रखवाना है। दैट इज़ आर्टिकल 48। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है सारी बातें? एवरीवन सबको समझ आ रहा है भाई? सबको क्लियर है बात सारी? बहुत अच्छे तरीके से मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक टॉपिक हर एक आर्टिकल ताकि आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग हो सके। और ये क्लास लाइव नहीं है, ये मैं बेसिकली आपको प्रीमियर करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम से निकलना था जिसकी वजह से मैं आप लोगों के लिए क्लास जो है प्रीमियर करवा रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड है तो जिसकी वजह से अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड कैटेगरी, दैट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स क्या है हमारा? टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। आर्टिकल 44 का कहता है कि हमने पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाना है, मतलब सेम लॉ थ्रू आउट द नेशन, थ्रू आउट द नेशन पूरे देश के अंदर सेम कानून होने चाहिए। चाहे आप कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, चाहे आप कन्याकुमारी के अंदर रह रहे हैं, कानून सबके लिए सेम रहना चाहिए, कोई डिफर नहीं करना चाहिए पॉइंट भी। दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी कोशिशें चल रही हैं इसके ऊपर पूरे देश के अंदर ये लागू किया जा सके। ठीक है, बट
कई जगह स्टेट्स जो है दिक्कतें कर रही हैं, बट हो सकता है आगे आने वाले टाइम में हमारे देश के अंदर सेम लॉज अप्लाई किए जा सके। ठीक है जी, चाहे आप कश्मीर के अंदर रह रहे हैं, चाहे आप कन्याकुमारी के अंदर रह रहे हैं, थ्रू आउट द नेशन सेम लॉज जो है लागू किए जाने चाहिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 क्या कहता है? टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अनटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। ये आर्टिकल हमारा 21A से मिलता जुलता है, जो राइट टू एजुकेशन कहता है, जिसके अंदर जो है 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए सरकार कहती है। और ये आर्टिकल भी हमारा जो है आप कह सकते हो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही ऐड किया गया है, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ही ऐड हुआ है। एंड यहाँ पर ये बात बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमने प्रोवाइड करनी है, और कई जगह उनकी एजुकेशन के साथ उनकी मिड डे मील्स का भी ध्यान रखा जाता है, मतलब खाने पीने का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। ठीक है जी, ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एग्रीकल्चर फील्ड्स का ध्यान रखना है। ठीक है जी, एनिमल हस्बेंड्री मतलब हमने मॉडर्न मेथड्स के ऊपर उनकी ब्रीड्स को, जो हमारी जैसे गायें भैंसे भेड़ बकरी है, उनको चराने के जो काम करते हैं, उनसे जो फर निकलता है, उनसे जो दूध निकलता है, उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना है, उनकी ब्रीड्स को इम्प्रूव कराना है मॉडर्न मेथड्स का इस्तेमाल कर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा फर मिल्क और दूध का इस्तेमाल करवाना है, एग्रीकल्चर जो हमारे लैंड्स हैं उनको और अच्छे तरीके से इरीगेट करना है, कल्टीवेट करना है, ताकि अच्छे तरीके से उनसे और उपजाऊपन हो सके लैंड का। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इसका क्या मतलब है? हम आपको पता है कि भाई हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो एनिमल्स है, हमारे जो फॉरेस्ट है, उसको हमने जो प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, वो कहीं पर भी डिस्टर्ब ना हो। ठीक है जी, वो डिस्टर्ब ना हो, दैट इज आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए। नेक्स्ट आता है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। कि हमने सारे हिस्टोरिक प्लेसेस को, चाहे जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये हमारे हिस्टोरिक प्लेसेस हैं, तो इन सब को प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, ऐसा नहीं कोई उनको ख़राब कर रहे हो पान की पिचकारी मार के, ठीक है, उसके ऊपर दिल बना रहे हो और बीच में से एरो मार रहे हो और अपनी महिला मित्र के नाम लिख के दीवारों पे कलाकारी कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर रोक लगाती है, दैट इज़ आर्टिकल 49। ओके, क्लियर है बात? तुमने भी करी होगी बेटा कोई ना कोई हरकत ऐसी, जहाँ पे तुमने ऐसे दिल बना रखा होगा, बीच में से तीर मार दिया, कभी स्कूल के बेंच पे, कभी वॉशरूम में, करी होंगे बेटा पक्का, बहुत तेज हो तुम सारे। तो वो चीज़ के ऊपर जो है आप क्या कर रहे हो, इससे हिस्टोरिक प्लेसेस का नुकसान कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो, तो उस चीज़ के ऊपर सरकार जो है, सरकार के हमारी DPSP जो है रोक लगाती है, ये मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्लियर है बात सारी एवरीवन? बहुत अच्छे, चले नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 50, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सेक्टर्स ऑफ स्टेट, इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। अब देखो क्या है ना, तीन हमारे होते हैं
जुडिशरी के ना तीन हाथ होते हैं। क्या लिखा है गूगल देखो, टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। हमारे और गवर्नमेंट के ना तीन ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव उसके अंदर क्या है, चेंजेस करती है, एग्जीक्यूट करती है, कोई भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करती है, एंड जुडिशरी उसको इम्प्लीमेंट करती है। अब ये दो ऑर्गन्स है ना जो हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये दो ऑर्गन्स है ना, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। बट ये जो ऑर्गन है जुडिशरी, ये जो ऑर्गन है जुडिशरी हमारा, ये सेपरेट होता है। क्यों? क्योंकि अगर जुडिशरी इन दोनों के बीच में आ गई, मतलब अगर जुडिशरी के ऊपर इनका कंट्रोल आ गया, तो क्या हो जाएगी, जुडिशरी बायस्ड हो जाएगी। बायस्ड का क्या मतलब होता है, बायस मतलब झुकाव हो जाएगा उनका, मिनिस्टर्स जो है वो प्रेशर क्रिएट करना शुरू कर देंगे और किसी को भी इंसाफ नहीं मिलेगा। दो कुछ हद तक अभी भी होता है, बट फिर भी हमारी जुडिशरी बहुत 90-95% तक इंडिपेंडेंट होती है यहाँ पर अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जुडिशरी भी बायस्ड हो, बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कोई होगा जिसके अंदर जुडिशरी बायस्ड हो सकती है, बट वैसे जो है 95% केसेस के अंदर जो है जुडिशरी जो है अनबायस्ड है ऑन एक्चुअल ग्राउंड्स। ठीक है, जो ग्राउंड रियलिटी ये है, ताकि लोगों का भरोसा जो है कोर्ट कचहरी में बना रहे, इसी वजह से जुडिशरी जो है अनबायस्ड है, इन दो ऑर्गन्स के ऊपर, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है अपने काम के अंदर, अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर। क्लियर है बात सबको? अब नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज कि कौन कौन से नए डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऐड किए गए थे। पहले जो हमारे डीपीएसपी बने थे, उसके बाद ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है ऐड किए गए थे। ठीक है जी, जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुई हमारी 1976 की, उसके थ्रू चार नए डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है ऐड किए गए थे हमारी ओरिजिनल लिस्ट के अंदर। ठीक है जी, चार नए डायरेक्टर प्रिंसिपल्स जो है वो ऐड किए गए थे। कौन कौन से? पहला आता है, ये याद रखना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, याद रखो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम प्रोविजन इसी के थ्रू ऐड किए गए हैं, एंड इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। चलो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने यहाँ जो बच्चों का ध्यान रखना है, उसके खाने पीने पढ़ाई का खर्चा जो है वो मालिक ही उठाता है। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39 है, लीगल एड वाला सेंटर मैंने आपको कहा था कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वकील मिलेगा, एक रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है, सरकारी वकील होता है, सरकार उसको खुद पैसे देती है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43 सब क्लॉज 8, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मैंने आपको बताया था, अक्सर क्या होता है ना, कंपनीज के अंदर जो मालिक होते हैं वो पैसा गिरा देते हैं नौकरों का, मतलब वर्कर्स का, और वर्किंग आवर्स उनके बढ़ा देते हैं। तो इसी सिचुएशन को डील करने के लिए वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाई, और यूनियन जो है, यूनियन का जो लीडर होता है वो कंपनी की मैनेजमेंट से बात कर सकता है, अगर उसको पैसे बढ़ाने हैं या फिर वर्किंग आवर्स डिक्रीज कराने, या कोई भी दिक्कत आती है वर्कर्स को, तो वर्कर का जो यूनियन का जो लीडर होता है वही बेसिकली जाके मालिक से बात करता है। दैट इज़ आर्टिकल 43 सब क्लॉज ए। तो याद रखना 39, 39A and 43A, और इसके साथ आता है हमारा दैट इज़ आर्टिकल 48A, जिसके अंदर हमने देखना है कि अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, ताकि हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहे, इकोलॉजिकल सिस्टम जो है मेंटेन रहे। इसके अलावा ये तो चार थी हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ये चार हमने ऐड किए थे 1976 की जो हमारी 42nd अमेंडमेंट एक्ट थी उसके तहत। इसके अलावा एक और आर्टिकल हमारा ऐड किया गया था, बट वो कैसे ऐड किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत। ये क्या था, दैट इज कि हमने इनइक्वालिटीज, इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस के ऊपर जो है उसको ख़त्म करना है, उसको खारिज करना है, कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए।
द बेसिस ऑफ इनकम, स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन फैक्टर्स के ऊपर हमने कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कॉज नहीं करनी है. दैट इज आर्टिकल 38. और ये ऐड हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत. ठीक है जी. नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टर प्रिंसिपल. डायरेक्टर प्रिंसिपल बेसिकली सैंक्शन क्यों किए थे और किसने किए थे, याद रखना. बी एन राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, क्वेश्चन पूछा जाता है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट इज बी एन राव. तो इन्होंने बोला कि हमारे जो इंडिविजुअल है उसके राइट्स दो कैटेगरीज के अंदर हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक होते जस्टिकेबल, एक होते नॉन जस्टिकेबल. ठीक है जी. तो ये बात बोली सर बी एन राव ने और इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया. तो इसी वजह से फंडामेंटल राइट्स को हमने बनाया जस्टिकेबल, वोटिंग कराई गई, फंडामेंटल राइट्स को जस्टिकेबल बनाया गया और पार्ट थ्री के अंदर मेंशन किया गया. डीपीएसपी को नॉन जस्टिकेबल बनाया गया और उसको पार्ट फोर के अंदर मेंशन किया गया. ठीक है जी. अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे उन्होंने दो इस चीज़ के लिए सोल्यूशन, मतलब दो उन्होंने आंसर्स दिए जिसकी वजह से उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को ही जस्टिकेबल बनाया और डीपीएसपी को नॉन जस्टिकेबल बनाया. क्योंकि दिमाग में आ रहा होगा सर फंडामेंटल राइट्स ही क्यों जस्टिकेबल है और डीपीएसपी क्यों नॉन जस्टिकेबल है. तो इन्होंने दो आंसर्स दिए इसके रिगार्डिंग. पहला उन्होंने बोला कि हमारा देश नया नया आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं थे जिसकी वजह से एक ही चीज़ को हम जो है जस्टिकेबल बना सकते थे, लागू करवा सकते थे ऑफिशियली, और वो उन्होंने वोटिंग कराई और फंडामेंटल राइट्स को जस्टिकेबल बनाया गया. इसके अलावा सेकेंड जो रीज़न उन्होंने दिया कि हमारे देश के अंदर, बाद में उन्होंने बोला कि हमने जब कोशिश करी डीपीएसपी को लागू कराने की, बट वहाँ पर हमारा देश के अंदर अलग अलग कल्चर्स के लोग रह रहे थे, अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के लोग रह रहे थे और लोगों की यहाँ जो सोच बहुत पुरानी थी जिसकी वजह से उसको लागू कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिसकी वजह से सिर्फ अब तक फंडामेंटल राइट्स ही जस्टिकेबल हैं एंड डीपीएसपी जो हमारे दैट आर नॉन जस्टिकेबल. ठीक है जी. सो यहाँ पर आपका पूरा जो टॉपिक है डीपीएसपी का वो कंप्लीट होता है. ठीक है जी. सो बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको हर एक टॉपिक जो है पढ़ा रहा हूँ एंड आई होप आपको इन डेप्थ नॉलेज मिल रही होगी और आप भी उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे. तो इसको प्रीमियर करेंगे आज हम या फिर वीडियो अपलोड करेंगे, डिपेंड करता है, बट आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और इससे रिलेटेड फिर हम जो है MCQs करेंगे. दो तीन दिन में हम इससे रिलेटेड सारे MCQs करेंगे, चाहे वो हमारे यूनियन टेरिटरी के हों, चाहे वो सिटीजनशिप के हो, प्रीएम्बल के हो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हो, फंडामेंटल राइट्स के हो और DPSP. 6-7 टॉपिक हमने यहाँ जो पॉलिटी के कवर कर लिए हैं तो उनसे कुल मिलाकर हम जो है सारे चीज़ें कवर करेंगे. ठीक है जी. आप लोगों का बाकी कोई डाउट है तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. करंट अफेयर्स की क्लासेस भी मैं आप सोच रहा हूँ अपलोड कर दूँ आप लोगों के साथ. ठीक है, अपलोड करूँ या लाइव करूँ ये बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि लाइव करें करंट अफेयर्स की क्लासेस कि वीडियो अपलोड करूँ मैं आप लोगों के साथ. तो इसके बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. ठीक है जी. क्लियर है बाकी सारी चीज़ें. यहाँ पर हर एक टॉपिक हमने जो ग्रेट डिटेल के अंदर कवर किया है. दो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स तो ये है ही हैं, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ये तो इंपॉर्टेंट है ही हैं. इसके अलावा एक मैं वीडियो बना दूंगा जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं जो मैं कवर करा दूंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसको आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, वो आपने कवर करने ही करने हैं. ठीक है जी. चलिए ठीक है. तो ये जो आपकी PDF है ये मैं आपको ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, CDS प्रिपरेशन बाय कार्तिक चौधरी जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपने ज्वाइन करना है. जो बच्चे नए हैं तो वहीं पर ही आपको सारी जो है PDF शेयर होती है एंड वहीं पर ही आपको इसकी भी PDF मिल जाएगी. ठीक है जी. बाकी कमेंट सेक्शन में आप मुझे एक बार शेयर कर देना अगर आपको कोई डाउट आता है या आप कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं या कोई टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना चाहते हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी क्लासेस लग जाएंगे. ठीक है बच्चे. सो आई होप आपको जो है आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा. तो
तो आज के हमारे सेशन में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।